मेरे सामने खड़ी है यामाहा R15B4, देखिए रेसिंग ब्लू वाला कलर है, आप देख सकते हो हमारा क्रैश गार्ड। अभी तक आपने शायद देखा हो तो बहुत ज़्यादा ओवर निकलता है। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको सिर्फ स्लाइडर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये डिज़ाइन अभी तक किसी ने नहीं इंस्टॉल किया है अपनी R15 के किसी भी मॉडल पर, क्योंकि ये ऑफिशियली बनाए हुए हैं अकांसा एक्सेसरीज के। इसकी एक्सेसरीज के आप इस पर क्या क्या एक्सेसरीज ऐड कर सकते हो, देखो आप बबल वाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी और कलर की रैपिंग भी कर सकते हो। हाइड्रोलिक क्लच एंड लीवर का सेट, आप भी बोल रहे हैं टूटते नहीं है। इंडिकेटर कवर ये आप देख सकते हो, क्लच एंड लीवर, बॉडी इंडिकेटर, एक ही है गाइस फॉक्स स्लाइडर, रेक्स मिरर ये आपके कंपनी से आते हैं वो है, और एक ये है शॉकर कवर, और इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त लिया आपके लेकर टॉपिक एक और वीडियो। नाउ वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गाइस, हमारे दो चैनल हैं एसकेडी बाइक वर्ल्ड और एक इंडियन थ्रॉटल, जिन पर आपको यूनिक यूनिक बाइक की मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो उसको कर लेना सब्सक्राइब। और आज जो वीडियो होने वाली है इसके थोड़े सिनेमैटिक आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया, आई होप आपको पसंद आएगा। आज हम आपको दिखाएंगे यामाहा R15 जो V4 मॉडल आता है, चाहे आपके पास यामाहा R15 V4 हो या फिर यामाहा R1M हो, उस पर ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप ऐड कर सकते हो। मेन इसमें दिखाने वाला हूं आपको क्रैश गार्ड, और ये जो क्रैश गार्ड है ये खुद डिजाइन कराया गया है, शॉप का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, चेकआउट कर लेना। और इस क्रैश गार्ड की सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये ओवर नहीं लगेगा इंस्टॉल होने के बाद। ज्यादातर जो क्रैश गार्ड आपने देखे होंगे ओबमन, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो क्रैश गार्ड इंस्टॉल करने के बाद ना इधर उधर दिखते हैं, बट इसमें अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको सिर्फ स्लाइडर देखने को मिलेगा, यानी जिस तरीके से स्लाइडर की लुक आती है वही लुक आएगी, बट जो इसकी जो मजबूती है जो सेफ्टी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस एक बार फिर से हम आ गए हैं कांसा एक्सेसरीज पर। ये शॉप आपको दिल्ली के करोल बाग नाई वाला मार्केट में मिल जाती है, और आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है, यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है यामाहा R15 V4, जो कि रेसिंग ब्लू वाला कलर है, आप देख सकते हो हमारे सामने है। और यहाँ हम आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सेसरीज दिखाने वाले हैं। लाइक अगर सबसे पहले अगर आप बाइक खरीदते हो तो आपको सबसे पहले जो कराना चाहिए वो आप देख सकते हो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका क्रैश गार्ड। और ये इस तरीके का क्रैश गार्ड अभी तक आपने शायद देखा हो, क्योंकि जो क्रैश गार्ड ऑर्डिनरी जो आते थे जो आपने देखे होंगे बस यहाँ तक थे, और उनका जो डिज़ाइन था वो अगर हम यहाँ सामने से देखते थे ना तो बहुत ज़्यादा ओवर निकलता है। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको सिर्फ स्लाइडर देखने को मिलेगा। ये देखो, ऐसा लग नहीं रहा क्रैश गार्ड इंस्टॉल है, क्योंकि जो बाइक का लुक है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो गाइस इस क्रैश गार्ड की जो मैं बात कर रहा था, इस क्रैश गार्ड की पहले आप देख सकते हो लुक, यहाँ से देखो, ये डिज़ाइन अभी तक किसी ने नहीं इंस्टॉल किया है अपनी R15 के किसी भी मॉडल पर, क्योंकि ये ऑफिशियली बनाए हुए हैं अकांसा एक्सेसरीज के। आप देख सकते हो यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इस क्रैश गार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना प्रॉपर फिटिंग के साथ आया है। ये देखो जिस तरीके से बाइक का जो डिज़ाइन है ना यहाँ से, ये देखो उसी बॉडी के डिज़ाइन से यहाँ पर क्रैश गार्ड को लिया गया है, और दूर से कुछ इस तरीके का लुक आपको देने वाला है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मतलब लुक भी दे दिया प्लस फिटिंग भी इसकी ज़बरदस्त दे दी, और मैंने आपको दिखाया था ये आप देख सकते हो। अब अगर यहाँ से आप देखते हो ना तो आपको सिर्फ स्लाइडर दिखेगा, वरना अदरवाइज़ जो और क्रैश गार्ड इंस्टॉल करते हैं वो क्या होता है कि इतना बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है ना स्पोर्ट्स से ज़्यादा बुलेट लग जाती है। जिस तरीके आपने देखा होगा जो बुलेट के क्रैश गार्ड जिस तरीके से आते हैं, लेग गार्ड आते हैं, तो उस तरीके की फीलिंग आने लगती है। बट इस केस में क्या है कि क्रैश गार्ड भी आपका लग गया, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पर एक मेटल का स्लाइडर भी इंस्टॉल है। और ये चीज़ जो है ना आप चेंज कर सकते हो, किसी और डिज़ाइन की लगा सकते हो, किसी और कलर की लगा सकते हो, और इस क्रैश गार्ड के भी आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्लैक ही क्रैश गार्ड है, और आपके पास ब्लैक ही R1M है या 5 जो भी है आपके पास, तो इस ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्लू ही हो, आपके पास किसी भी कलर का है, किसी भी कलर का आप इसको डिज़ाइन करा सकते हो। कोई और डिज़ाइन अगर आपके दिमाग में है तो वो भी यहाँ बन जाते हैं। बट बात कर रहा था मैं इस क्रैश गार्ड की, तो देखो इसकी बड़ी बिल्ड क्वालिटी, फिटिंग देख सकते हो, यहाँ पर इसकी क्लैंप्स लगा रखी है और प्रॉपर फिटिंग है, यहाँ पर रोड आ रहा है देख सकते हो, और वहीं यहाँ पर लिया गया है। तो ये तो हो गया इस साइड से, मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। साइड से आपने देख लिया गाइस, इस साइड से भी आप देख सकते हो लुक इसका एक नंबर का आ रहा है। मैं आपको बता सकूँ कलर आप जो चाहो करवा सकते हो, अदरवाइज ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस कलर पर, ये देख सकते हो। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ इसमें एक्सेसरीज और भी ऐड हो चुकी है। इसमें इंस्टॉल कर रखा है मोबाइल होल्डर जो कि विदाउट चार्जर है, इसमें आपको चार्जर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आपको काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। और एक ये हैंडल का टी है, और इसके टी के ऊपर लगा रखा है कवर, ये देख सकते हो आप, ये फुल्ली ब्लैक में है, इसमें भी काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। और अगर आपके पास R1M है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर आप क्या क्या एक्सेसरीज ऐड कर सकते हो। तो देखो गाइस ये इसकी एक्सेसरीज के आप इस पर क्या क्या एक्सेसरीज ऐड कर सकते हो, देखो मैं क्या करके आपको दिखाऊंगा, और मैं साथ में आपको यही बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ का है और कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ लगा सकते हो। शुरू करेंगे गाइस बबल वाइजर से। ये देखो जो कि फुल्ली जेट ब्लैक में बबल वाइजर है, और ये वाला वाइजर आपका हट जाता है, और इसके जगह पर आपका ये वाला वाइजर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, ये देख सकते हो। तो ये दोस्तों फ्रंट से अगर आप बबल वाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें ट्रांसपेरेंट भी आता है, अदरवाइज अगर आप चाहो तो किसी और कलर की रैपिंग भी कर सकते हो, और दूर से कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिलेगा और लुक आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लुक भी इसका एनहांस हो जाता है। अब दिखाते हैं नेक्स्ट आइटम। अब गाइस हम आपको दिखाएंगे, ये है हाइड्रोलिक क्लच एंड लीवर का सेट।
और इस क्लच एंड लीवर के साथ आपको दो ऑयल के इस तरीके के डिब्बे बोल सकते हो उसको, तो ये मिल जाते हैं जो कि प्रॉपर फिटिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर भी आपका लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, और इसमें जो आप ऑयल डालोगे ना वो आप देख सकते हो। ज़्यादातर लोग इस तरीके के ना जब चीज़ें इंस्टॉल कराते हैं तो उसमें रेड कलर का जो है ऑयल डाल लेते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसके साथ ही में आपको मिल जाता है ये एडजस्टेबल हाइड्रोलिक क्लच एंड लीवर, ये देख सकते हो। एक यहाँ से इसका एलेंगी लूज करके आप इसको फोल्ड कर सकते हो, इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता है ना तो ये अपने आप ही फोल्ड हो जाते हैं, टूटते नहीं है। अदरवाइज यहाँ से भी आप देख सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं इसमें। लगाने के बाद जो आपका राइड एक्सपीरियंस है ना वो अलग ही लेवल का जाता है। नेक्स्ट आइटम है गाइस रेडिएटर कवर, ये आप देख सकते हो। इन केस कभी अगर आप बाइक चला रहे हो और कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है तो आपका रेडिएटर टूटता नहीं है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है। ये भी काफ़ी हैवी क्वालिटी में है, मेटल में है, अदरवाइज़ काफ़ी सारा कलर आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था हाइड्रोलिक क्लच एंड लीवर, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि अगर आप हाइड्रोलिक नहीं लगवा रहे हो, नॉर्मली आपके क्लच एंड लीवर लगे हो, तो उस केस में आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो। और इसका भी वही काम रहता है, इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता है तो ये चीज़ टूटती नहीं है और आपकी जो है लुक भी बाइक की काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और ये फुल्ली मेटल में काफ़ी सारे कलर यहाँ मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट आइटम है गाइस इंडिकेटर, ये आप जिस तरीके से ये इंडिकेटर बाहर निकल रहे हैं ना इस स्लाइडर से ज़्यादा, तो यार ये इंडिकेटर ही बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका लुक जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो उस केस में आप इस तरीके के बॉडी इंडिकेटर लगा सकते हो जो कि फुल्ली चिपक जाते हैं इस तरीके से, और ये बाहर नहीं निकलते, बॉडी से बिल्कुल चिपक के इंस्टॉल हो जाते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, काफ़ी सारे कलर आ जाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। एक डिज़ाइन इसमें ये वाला है, एक डिज़ाइन इसमें ये वाला है, जिसमें लोगों को बड़ा नहीं चाहिए छोटा चाहिए तो वो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बड़े साइज़ के भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एक ही है गाइस फॉक्स स्लाइडर, ये आप देख सकते हो, इसको इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, एक इस तरफ लग जाता है और एक इस तरफ लग जाता है। डिज़ाइन इसमें बहुत सारे हैं बट ये लेटेस्ट आया हुआ बिल्कुल करंट, और R15 पर, R1M पर, और R5 जो B4 मॉडल है इस पर बहुत अच्छे लगते हैं और लुक भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है और प्रोटेक्शन भी आती है आपकी। नेक्स्ट आइटम है गाइस विंग्स मिरर, और ये काफ़ी यूनिक क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, घुमा भी सकते हो अपनी फिटिंग के हिसाब से, इसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके से कहाँ सेट करना है। लुक भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है, प्लस आपका जो है व्यू का काम भी ये कर देते हैं। ये देखो ये आपके कंपनी से आते हैं वो हैं, और एक ये है, ये सामने से लगेगा नहीं कि ये शीशे हैं, घूम जाएगा। हाँ तो इसको आप घुमा सकते हो, इसलिए इसका नाम है विंग्स मिरर। तो ये फुल्ली मेटल में है गाइस, और ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स बाइक आती हैं जिनके मिरर इस जगह पर इंस्टॉल होते हैं तो उन सब पर ये लग जाता है, ये जरूरी नहीं है कि बस R15 ही हो। नेक्स्ट है गाइस बहुत ही हैवी क्वालिटी के CNC में शॉकर कवर प्लस शॉकर प्रोटेक्टर, और इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा लुक हो जाता है इनहेंस। इसको किसी भी एंगल पर लगा सकते हो, ऐसे भी लगा लो, ऐसे लगा लो, कलर इसमें काफ़ी सारे आते हैं बट गोल्डन कलर का ना आपका ये चीज़ जो गोल्डन है ये इसका शॉकर, जो उसी हिसाब से गोल्डन कलर का लिया गया, और इससे बहुत ज़्यादा बल्कि लगने लगता है बाइक। अगर आपने ये भी लगा लिया फिर आपने ये भी लगा लिया तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इस तरीके की चीज़ें आपको बाइक लेने के बाद सबसे पहले करा लेनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं आपके पास R15 V4 हो, आपके पास R15 M भी हो सकती है, ये यूनिवर्सल है। ये तो हो गई इसकी एक्सेसरीज, और एक बार हम बात कर लेते हैं इसके ऑनर से कि उनको ये क्रैश गार्ड कैसा लगा और कैसे वो यहाँ पर आए। तो भैया बताओ, पहले तो नाम बता दो अपना और काम कैसा लगा ये बताओ, तो कहाँ से आए हो? मेरा नाम अनीश है, मैं बुराडी से आया हूँ। अच्छा, और यहाँ मैं स्पेशली क्रैश गार्ड लगवाने आया था। अच्छा। तो करोल बाग में मैंने बहुत दुकानें देखी, मतलब मैं यहाँ रैंडमली आया हूँ, कोई चैनल वैनल नहीं देखा मैंने, तो मैं बहुत जगह गया, एक जगह और मिल रहा था वहाँ 3,000 का मिल रहा था, पर अभी लुक कोई अच्छा नहीं था। फिर मैं आकांक्षा एक्सेसरीज पे आया तो इन्होंने कहा कि ये हम बनवा देंगे आपके लिए स्पेशली, पर थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं बनवा दो। कितने दिन लगे आपको? मेरे को 2 दिन लगे, पर अब इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब तो ये मॉडल बन गया, अब तो ये बन के आ गया स्टॉक में। अच्छा, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी क्रैश गार्ड? इसमें मेरे को अच्छा लगा कि ये ऑड नहीं लग रहा, अलग सा नहीं लग रहा, ये बॉडी के साथ मर्ज हो गया है तो इसे और लुक को इनहेंस कर रहा है और भरी भरी दिखा रहा है इसे, और सामने से देख रहे हो सिर्फ स्लाइडर दिख रहा है। हाँ, स्लाइडर भी दिख रहा है, ये चीज़ ऐसा लग ही नहीं रहा कि क्रैश गार्ड लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा ये जो सामान हमने दिखाया है ये आप बता रहे हो मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा? हाँ, बाकी इन्होंने सब सामान दिखाया ये अच्छा लग रहा है, बाकी इसमें से ये तो मैं अभी लगवा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और एक और ये मैंने पहले लगवा लिया, ये जिस दिन मैं पहले दिन आया था, और एक ये लगवा लिया था, और एक ये फोन के लिए लगवा लिया था, और ये सिलिकॉन ग्रिप लगवा ली थी। ठीक है मतलब ऑल ओवर आप इससे सेटिस्फाई आना चाहे यहाँ पर तो क्या क्या होगा? तो आए भाई बिल्कुल आए, और ये कहीं मिलेगा भी नहीं है ऐसा, मतलब अभी डिजाइन है यहाँ पे, रीजनेबल है, प्राइस भी अच्छा है काफी। ठीक है ना, चलो ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरीके के काम कराना चाहते हो और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो फिर तो बल्ले बल्ले है, तो आप आ सकते हो करोल बाग नए वाला मार्केट में। और गाइस बाकी मैंने डिटेल सारी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर लेना। तो आपके भाई लेता आपसे विदा, मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।